नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। आज हेमंत सोरेन से पूछताछ करने सीएम आवास पहुंचेगी ईडी की टीम। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का दल शनिवार दोपहर 12 बजे के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगा। इस दल में संभवतः दिल्ली के भी कुछ अधिकारी शामिल होंगे। अधिकारियों का दल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके और पारिवारिक सदस्यों द्वारा अर्जित संपत्ति के आर्थिक स्रोतों से जुड़े सवाल पूछ सकता है। साथ ही संबंधित बिंदुओं पर मुख्यमंत्री का बयान भी दर्ज किया जाएगा। इस दौरान विधि व्यवस्था के साथ ईडी ऑफिस व अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई है। ईडी ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा में कुल 900 पुलिस अफसर और जवान तैनात किए गए हैं। ईडी ऑफिस और मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैरिकेडिंग भी की गई है। ईडी के पत्र सह 8वें समन के बाद पूछताछ व बयान दर्ज कराने की जगह और समय मुख्यमंत्री ने ही तय किया है। इधर इस पूरे घटनाक्रम के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ईडी कार्यालय सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईडी को अपनी सरकारी आवास पर 20 जनवरी को दोपहर 12 बजे के बाद बुलाया है। सीएम हेमंत से पूछताछ से पहले आदिवासी संगठनों का विरोध प्रदर्शन। झारखंड के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने ईडी की कार्रवाई के प्रति भारी नाराजगी जताई है। इसके खिलाफ शुक्रवार को मोराबादी मैदान स्थित ऑक्सीजन पार्क से विरोध मार्च निकाला गया। विरोध मार्च में शामिल लोग विभिन्न मार्गों से होते हुए राजभवन के समक्ष पहुंचे, जहां लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना को आदिवासी समेत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया है। इसमें शामिल सदस्यों ने ईडी पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को लगातार परेशान किया जा रहा है। इस अवसर पर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की कुंद्रिसी मुंडा ने कहा है कि भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है। रघुवर दास के मुख्यमंत्रित्व काल में मोमेंटम झारखंड में अरबों रुपए उड़ाए गए, इसकी जांच क्यों नहीं होती। हजारीबाग में 69वीं मध्याह्न भोजन रसोईया का उद्घाटन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मकंदगंज हजारीबाग में 69वीं मध्याह्न भोजन रसोईया अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि अक्षय पात्र किचन की योजना एक योजना ही नहीं, एक मौन क्रांति है जो बच्चों को आगे लाने में और बच्चों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मनुष्य की पहली जरूरत भूख शांत करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, सामने में जब कोई मनुष्य भूखा हो तो उसे भोजन देना चाहिए, न कि भाषण। भूखे होने की स्थिति में बातों को ग्रहण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। देश भर में संचालित अक्षय पात्र किचन के द्वारा हर दिन लगभग 23 लाख बच्चों को भोजन मिलता है। यह मानवता की बड़ी सेवा है। राज्यपाल ने कहा है कि उन्होंने झारखंड के 24 जिलों के परिभ्रमण के दौरान पाया है कि झारखंड में कुपोषण की समस्या है और इस समस्या से निजात पाने में अक्षय पात्र किचन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महिला हॉकी टीम को नहीं मिला ओलंपिक का टिकट। रांची में हुए पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर में भारतीय महिला हॉकी टीम क्वालिफाई करने से चूक गई। शुक्रवार को तीसरे और चौथे स्थान के मुकाबले में जापान ने भारत को 1-0 से हराया। टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक चौथे स्थान पर रही भारतीय महिला हॉकी टीम की इस हार ने प्रशंसकों के दिल तोड़ दिए। वहीं पेरिस में पदक की उम्मीद भी कर रहे थे। जापान के लिए काना उराता ने 6वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। यह बढ़त आखिरी मिनट तक बनी रही, जबकि भारतीय टीम एक भी गोल नहीं कर सकी। भारत को मैच में 9 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन एक पर भी गोल नहीं हो सका। ओबीसी एकता मंच की मांग, जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता व अधिकार मंच की ओर से गढ़वा टाउन हॉल परिसर से जागरूकता अभियान रथ रवाना किया गया। इस दौरान पिछड़ों की आबादी है आबाद रहेगा, सत्ता संपत्ति पर अधिकार रहेगा जैसे नारे लगाते हुए झारखंड सरकार से जनसंख्या के आधार पर पिछड़ों को हिस्सेदारी देने की मांग की गई। इस अवसर पर मंच के संयोजक ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा है कि इस रथ के माध्यम से गढ़वा जिला के गांव-गांव तक अपनी मांगों के समर्थन में समाज के लोगों को गोलबंद किया जाएगा तथा 11 फरवरी को शिवाजी मैदान डाल्टनगंज में महासम्मेलन में शामिल होकर एकजुटता दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। राज्य में जातीय जनगणना कराना जरूरी है। देश के विकास में ओबीसी समाज की बड़ी भागीदारी है, लेकिन अब तक उनका उचित हक नहीं मिल पाया है।
अबुआ आवास के 31 लाख आवेदन। झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव चंद्रशेखर ने कहा है कि अबुआ आवास योजना के तहत 31 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। इनमें से 29.97 लाख का सत्यापन भी हो चुका है। लगभग 1 लाख आवेदन डुप्लीकेट मिले हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत झारखंड में 2.89 लाख सखी मंडलों का गठन किया गया। इससे 32.94 लाख परिवारों को जोड़ा गया। पिछले 4 वर्षों में 1.1 लाख सखी मंडलों का गठन कर 15.29 लाख परिवारों को जोड़ा गया। 5 लाख से अधिक महिला किसानों को लखपति बनाया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 97.83% निर्माण पूर्ण कर लिए गए हैं। वहीं 2016 से 22 तक इस योजना के तहत 15,32,171 आवासों की स्वीकृति भी दी गई थी। इनमें से 15,57,730 आवास पूर्ण भी हो चुके हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सूचना भवन के सभागार में पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दे रहे थे। मेधा डेयरी की दही खाओ प्रतियोगिता आज। मेधा डेयरी की दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता 20 जनवरी को होगा। यह प्रतियोगिता रांची के होटवार स्थित मेधा डेयरी में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। प्रतियोगिता में पुरुष, महिला और सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग वर्ग हैं। यह जानकारी होटवार स्थित प्लांट में मेधा डेयरी के प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार सिंह ने दी है। आप दही खाने के शौकीन हैं तो ये बेहतर मौका है। सर्वाधिक दही खाकर आप विजेता बन सकते हैं और पुरस्कृत भी किए जाएंगे। इस प्रतियोगिता की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सभी वर्गों को मौका दिया गया है। आप महिला हैं, पुरुष हैं या बुजुर्ग, हर कोई इसमें भाग ले सकता है। हजारीबाग डेली मार्केट में भीषण आग। हजारीबाग जिले में भीषण आग लग गई है। डेली मार्केट में लगी आग में 1.5 दर्जन से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई। 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जो दुकानें जली है सभी मनिहारी की दुकानें थी। लगभग हर दुकान में 10 से 15 लाख रुपए मूल्य के सामान थे। स्थानीय लोगों ने सुबह में देखा कि हजारीबाग मेन रोड स्थित डेली मार्केट में आग लग गई है। लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की लेकिन धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसी बीच अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। दमकल वाहनों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जब तक आग पर काबू पाया जाता 15 दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। गिरिडीह के रास्ते बिहार जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। इस बार गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पचम्बा थाना क्षेत्र के बुढ़ुआ आहार तालाब के पास से अवैध शराब लदी एक टाटा मैजिक गाड़ी और एक स्कॉर्पियो को जब्त किया है। इन दोनों गाड़ियों से पुलिस ने अलग अलग कंपनियों की 110 पेटी से अधिक विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है। बाजार में जब्त शराब की कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपये बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि गिरिडीह SP दीपक कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली है कि पड़ोस के जिले बोकारो से गिरिडीह के रास्ते अवैध शराब की खेप बिहार भेजी जा रही है। व्यवसायी पुत्र हत्याकांड विरोध में बाजार बंद, सड़क जाम। पलामू में व्यवसायी पुत्र की हत्या के विरोध में शुक्रवार 19 जनवरी हरिहरगंज और छतरपुर बाजार बंद रहा। आक्रोशित ग्रामीणों ने हरिहरगंज में सुबह 8:30 बजे से NH 98 को जाम कर दिया। घटना की सूचना पर DSP सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। छतरपुर STPO अजय कुमार ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम होता नहीं दिखा। वे लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि 10 बजे तक पुलिस पदाधिकारी के आश्वासन के बाद जाम हटा लिया गया जिसके बाद गाड़ियों का आना जाना हो सका। गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट पर रांची पुलिस। गणतंत्र दिवस को लेकर रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है। सिटी SP राजकुमार मेहता ने आदेश दिया है कि प्रतिदिन होटल और लॉज की चेकिंग होनी चाहिए। होटल और लॉज में ठहरने वाले व्यक्तियों का सत्यापन किया जाए। होटल और लॉज में यात्रियों को बिना ID के ठहराने पर संचालक पर बड़ी कार्रवाई की जाए। सिटी SP का कहना है कि चेक इन अभियान 26 जनवरी तक चलेगा। सभी DSP और थानेदार को देर रात तक सड़क पर मौजूद रहने और वाहन चेक इन अभियान में शामिल रहने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह में और शाम में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाने, अभियान के पकड़े गए संदिग्ध को थाना लाकर सत्यापन करने, चेक इन के दौरान पुलिसकर्मियों से उलझने वालों के खिलाफ प्राथमिकी कर आय कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। गुमला में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म आरोपित गिरफ्तार। गुमला शहर के हुसैन नगर निवासी 37 वर्षीय मोहम्मद अफरोज ने 12 वर्षीय नाबालिग छात्रा को हवस का शिकार बनाया है। गुरुवार की शाम गुमला थाना की महिला पुलिस ने पीड़िता को लेकर सदर अस्पताल पहुंची जहां उसका मेडिकल जांच कराया गया। मेडिकल जांच में पता चला है कि पीड़िता 5 माह की गर्भवती भी है।
लगभग 7 माह पूर्व पीड़िता घर में अकेली थी, तभी आरोपित उसके घर पहुंचा था और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। यह बात किसी को नहीं बताने की धमकी भी दिया था। पीड़िता ने लोक लाज व डर से यह बात किसी को नहीं बता रही थी और आरोपित लगातार मौका पाकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। आस्था स्पेशल ट्रेन हावड़ा से चलने के लिए तैयार। श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए देश भर से नॉन एसी आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार इस सप्ताह हावड़ा से धनबाद कोडरमा गया के रास्ते ट्रेन चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हावड़ा से ट्रेन प्रतिदिन रात्रि 10 बजे खुलेगी और 1 माह तक ट्रेन का परिचालन प्रतिदिन किया जाएगा। अयोध्या के लिए देश भर के विभिन्न हिस्सों से 500 से अधिक ट्रेनें चलाने की तैयारी है। रेलवे की पर्यटक ट्रेन भारत गौरव की भांति आस्था स्पेशल ट्रेन विशेषकर श्रद्धालुओं के लिए ही चलाई जाएगी। इसमें सुरक्षा व्यवस्था के साथ शाकाहारी नाश्ते और भोजन की भी व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुपरवाइजर भी चलेंगे। इसे संचालित करने की जिम्मेदारी इंडियन रेलवे कैटरेज एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन को सौंपी गई है। रांची के कई लोगों को अयोध्या समारोह में शामिल होने का मिला सौभाग्य। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव का ज्वार झारखंड में भी है। राजधानी रांची भी राममय है। अयोध्या राम आगमन की तैयारी में सज धज कर तैयार है, तो इस अलौकिक नगरी के दर्शन का सुख रांची वासियों को भी मिलने वाला है। अयोध्या में हो रहे आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य दर्जनों लोगों को मिला है। ये लोग ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेंगे। राम जन्मभूमि की पावन धरती को नमन करने और जनजातीय समाज के कई लोगों को भी न्योता मिला है। बता दें, अयोध्या धाम में रांची की शालिना चतुर्वेदी और दल ने नृत्य नाटिका की बेजोड़ प्रस्तुति दी है। उनके दल में रोबीना प्रीति, रसिम मिंज, वैष्णवी शिवानी, मनीषा और ऋतुजा शामिल थी। ईडी ऑफिस से मुख्यमंत्री आवास तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। ईडी के अधिकारी शनिवार को मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर उनसे पूछताछ करेंगे। इस दौरान विधि व्यवस्था के साथ ईडी ऑफिस व अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई है। ईडी ऑफिस से मुख्यमंत्री आवास जाने के रास्ते ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा में कोई समस्या नहीं हो, इसे लेकर रांची पुलिस तैयार है। ईडी ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा में कुल 900 पुलिस अफसर और जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही ईडी और मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। ईडी के अधिकारी जब ईडी ऑफिस से मुख्यमंत्री आवास के लिए निकलेंगे, तब हर चौक चौराहे पर ईडी के अफसरों की सुरक्षा के लिए जवान और पुलिस अफसर तैनात रहेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झारखंड में 3500 अतिरिक्त फोर्स तैनात। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झारखंड विभिन्न जिलों में भी कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके मद्देनजर राज्यभर में 3500 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अधिक संख्या में लाठी बल के अलावा सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। वहीं सामान्य इलाकों में लाठी बल की तैनाती की गई है। बता दें, जमशेदपुर को 300, चाईबसा को 100, खूंटी को 100, सिमडेगा को 100, सरायकेला के 100, गुमला को 100, लोहरदगा को 200, हजारीबाग को 300, गिरिडीह को 150, कोडरमा को 150, चतरा को 150, रामगढ़ को 100, बोकारो को 200, धनबाद को 200, पलामू को 200, लातेहार गढ़वा पाकुड़ को 100 और साहेबगंज जामतला दुमका और गोड्डा को 150 पुलिस बल दिए गए हैं। झारखंड में 300 मेगावाट की लोड शेडिंग। रांची समेत राज्य के बड़े हिस्सों में लगातार लोड शेडिंग हो रही है। वजह है कि पावर एक्सचेंज से झारखंड को अतिरिक्त बिजली नहीं मिल पा रही है। शुक्रवार को राज्य में बिजली की मांग 1810 मेगावाट हो गई थी, पर केवल 1500 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी। इस कारण 300 मेगावाट की लोड शेडिंग की जा रही थी। रांची के ग्रामीण इलाकों में भी लोड शेडिंग की गई, खासकर कांके, होटवार, ओरमांझी, बुड्डू, तमाड़, बेड्डो, रातू आदि इलाकों में लगातार शेडिंग की जा रही है। दूसरी ओर खुट्टी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चाईबसा, सरायकेला, खरसावा, जमशेदपुर में भी 24 घंटे में से 13 से 14 घंटे ही बिजली ग्रामीण इलाकों में दी जा रही है। वहीं शहरी क्षेत्र में 18 से 20 घंटे तक बिजली दी जा रही है। राज्यपाल का सीएम हेमंत को पत्र। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में उन्होंने राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है, साथ ही विधि व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा है। राज्यपाल ने पत्र में कहा है कि राज्य में हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई है जो चिंता बढ़ाने वाली है। उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया है। राज्यपाल का पत्र मिलने के बाद आला अधिकारियों ने विधि व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। राज्यपाल ने इससे पहले कई बार मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जताई है। कुछ दिन पूर्व ही राज्यपाल ने कहा था कि राज्य की विधि व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। धन्यवाद।